बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में मैं थोड़ा सा आपको बताया था, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक होता है आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ये बेसिकली होता क्या आपका कि कार्बोनिल जो होते हैं वो एज अ लिगेंड यूज होते हैं, और चूंकि बस कार्बोनिल होता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज कार्बोनिल, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे हमें पता है कि NiCO का होल फोर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास CO, 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 और ये हो जाएगा CO, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कार्बोनिल का, ठीक है, तो कितना आएगा? जीरो आएगा। दूसरा आ जाता है FeCO का होल फाइव, तो ये आ जाएगा CO हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास CO, फिर CO, फिर इस CO हो जाएगा, एंड देन ये CO हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी आता है, जैसे CR क्रोमियम सिक्स आता है, तो क्रोमियम वाले में देख लेंगे CO, CO, ये सारे के सारे क्या है? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे Mn2CO होता है, तो यहाँ पे देखिए Mn और Mn के बीच में आपका क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद अपने पास आ जाएगा CO, CO, और फिर एक यहाँ आ जाएगा CO, CO, सिमिलरली इधर भी कर देंगे हम लोग CO, और एक इधर आ जाएगा CO, और एक इधर चला जाएगा CO, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MnCO का होल 10 बन रहा है ना, एक इधर और एक इधर डाल देंगे, तो 1, 2, 3, वन टू थ्री फोर फाइव, 1, 2, 3, 4, 5, तो CO का क्या हो जाएगा? होल 10 हो जाएगा। सब में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम देखे तो कितना आएगा? अभिनव, अभिनव, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। सर आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। तो मैंने पूछा आपसे सेंट्रल मेटल एटम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना आएगा? आवाज नहीं आ रही आपके? जीरो हाँ, जीरो आ जाएगा, क्योंकि सीओ क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आप इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह भी अगर पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा निकल हो जाएगा ये, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा, और सॉरी आयरन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेक्सा कार्बोनिल। आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सर मतलब कट आ रही है बीच में। एक मिनट, अभिनव, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर आवाज। मैं कह रहा था यहाँ पे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, ये क्या होते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज का मतलब क्या हो गया आपका? कि वन टाइप ऑफ लिगेंड होगा जिसमें बस कार्बोनिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। आपने आंसर दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा आपसे कि इसका IUPAC क्या होगा, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल हो जाएगा, इसका पेंटा कार्बोनिल आयरन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम हो जाएगा, क्लियर है, यस ठीक है। तो ऐसे मैंगनीज वाले का एग्जाम्पल बताइए जरा, मतलब सॉरी, नेमिंग नेमिंग सर कार्बन लग जाएगा। CO है, CO, Mn2CO होल 10, क्या होगा? डाई, डाय मैंगनीज डाई मैंगनीज। पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, नहीं सर पहले किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले काउंटर आयन हो, पॉजिटिव काउंटर आयन, तो उसको देखते हैं। अगर वो नहीं है तो हम सीधे
लिगेंड पे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल मेटल पे आते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव काउंटर आयन है तो स्पेस दे के लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सीधे हम उस कार्बोनिल पे जाएंगे, लिगेंड पे जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? डेका कार्बोनिल, डेका कार्बोनिल, और उसके बाद क्या आ जाएगा? डायमैंगनीज, मैंगनीज हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखे तो क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं? यस सर। तो ये हो जाता है आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि पाई बॉन्ड भी बनता है, ठीक है, एम और सी के बीच में जो बॉन्ड होता है बेसिकली पाई बॉन्ड भी बनता है और सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। इसे लिख लीजिए आप। डन सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है अपने पास, ठीक है, किसके बारे में आता है? यहाँ पे आता है कि इनका जो बॉन्डिंग के बारे में है बेसिकली, वो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा द मेटल एम और सी, एम फॉर मेटल है, सी फॉर बॉन्ड है, सी फॉर कार्बन, तो एम सी बॉन्ड जो है इन कार्बोनिल poses both S and P character, S और P दोनों ही character रखता है। Next point हो जाएगा कि जो M metal और carbon के बीच में एक sigma bond होता है, ये sigma bond कैसे बनता है उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एम सी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एम सी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका? कार्बोनिल का। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनिल कार्बनेट किसमें देता है? इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इंटू वैकेंट ऑर्बिट। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है सबसे पहले ये क्या करता है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनिल कार्बनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल होता है। दूसरा जो होता है पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो एम सी पाई बॉन्ड की बात होती है। तो एम सी पाई बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? आपने एमओटी पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पे हमें पता चला था बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और एबीएमओ जिसको पाई स्टार से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एम सी बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करते हैं क्योंकि एक तरह से इसे क्या मानते हैं हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग जिसको पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ सीओ। ठीक है, किसको देता है? सीओ। इस दोनों पॉइंट तीनों पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम से तो और क्लियर हो जाएगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया।
ओके अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, एक साइनर्जिक इफेक्ट की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपका, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग प्रोड्यूसेस साइनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथेंस which strengthens the bond between CO and metal. Synergic effect की वजह से इसका bond और ज़्यादा strong हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो CO को देखेंगे तो यहाँ triple bond होता है, ठीक है, O और C में triple bond होता है। यहाँ पे तीन ऐसे होते हैं आपके vacant इससे जुड़े हुए, और carbon पे भी देखेंगे तो ये ऐसे रहेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मेटल पे देखेंगे तो अपने पास मेटल पे पांच होता है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बेसिकली कार्बोनिल में कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, जिसके वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे होता है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, मतलब वन लोन पेयर, यहाँ पाई है, एक मिनट। अब देखिए ये इसको डोनेट कर देगा यहाँ पाई स्टार में, ठीक है, फिर ये इधर से डोनेट कर देगा, तो ये होता है आपका सिग्मा और पाई का हिसाब इसमें मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में। ये भी पाई होता है आपका, ये भी पाई होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम साइनर्जिक बॉन्ड, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। सर वो एक पाई स्टार है, हाँ पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, एबीएमओ में जा रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पे ये क्या है, पाई स्टार है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मेटल कार्बोनिल था, यहाँ पे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं जब, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारा कलर वैरी करते हैं, मतलब वो वहां पे क्या होता है कलर कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो कलर इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए कलर के लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली आपको जब बताया गया था तो मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था एफ सेंटर, याद है? यस सर। तो एफ सेंटर में बेसिकली वहां पे एक सवाल पूछता है कि जो सॉलिड होते हैं उसमें आपके कलर क्यों एडजस्ट करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसी की वजह से कलर होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जब कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो बेसिकली जब भी आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और वो एनर्जी गेन करेगा तो वो क्या करेगा, एक्साइट होगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, वो वन लेवल टू अनदर लेवल जब जाएगा तो उसको जाने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा E is equal to h nu is equal to hc upon lambda, पढ़ा है ना आपने? Yes. तो यहाँ पे बेसिकली उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और उस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ लैम्डा होगा, या फिर कह लीजिए एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ क्या होगा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ होगा कि नहीं? Yes. और वेवलेंथ से ही तो हम कलर डिटरमाइन करते हैं कि कौन किस कलर का होगा, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, देखिए कलर के लिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा इस चैप्टर से हटके है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा जिससे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है, सबसे कम बॉन्ड सॉरी वेवलेंथ किसका है और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस आता है अपने पास, कॉलेज गर्ल्स आर
अल्टीमेट, ये एक ट्रिक है याद करने की, विजिटर्स इन माय रेस्टोरेंट। आपके पास रेस्टोरेंट है क्या? नो विनो, नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो ये बात हो गई गलत। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, आर जो है ना इसको कर देंगे कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रेज वगैरह की बात होती है, ठीक है, रेडिएशन की, सी फॉर कॉस्मिक, तो जी फॉर क्या हो सकता है अभिनव, एनी आईडी? गामा, वेरी गुड। एक्स फॉर क्या हो सकता है, इसको तो काट दिया हमारे पास नहीं है, तो एक्स रेज। यू फॉर क्या हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट। वी फॉर क्या हो सकता है, विजिबल। आई फॉर क्या हो सकता है, इंफ्रारेड, ठीक है। एम फॉर क्या होता है, माइक्रोवेव्स, मैक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। और आर फॉर क्या हो सकता है, रेडियो वेव्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज है, ठीक है, इसको याद तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं हम तो आपका जो लैम्डा है ना वो इंक्रीज करता है। अगर लैम्डा इंक्रीज करता है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि जो फ्रीक्वेंसी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा है ना, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, या फिर ये भी कह ले कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आती है विजिबल रेंज की, रेंज की बात। तो ये विजिबल रेंज हम मानते हैं अलग अलग बुक में 400 या 450 ऐसे दे रखा होता है, तो 450 टू 750 नैनोमीटर, इसी के बीच के चीजों को हम देख पाते हैं। अगर इतना इसके पास, ये किसका वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू, बेसिकली किसका वैल्यू, लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ की वैल्यू, इसके बीच का अगर वेवलेंथ है तो वी कैन सी, ठीक है, हम देख सकते हैं। और ये बेसिकली इसी के बीच में क्या बनता है, विब्योर वगैरह बनता है, समझ रहे हैं आप, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, और भी जितने भी कलर होते हैं वो इसी के बीच के वेवलेंथ होते हैं, तभी हम देख पाते हैं, बाकी इससे कम और ज्यादा वाला नहीं देख पाते हैं, क्लियर है? यस सर। दूसरी बात, अगर कभी आप भूल जाइए कि रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्लास 10th में डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े थे तो उसमें जो रेड था सबसे ऊपर था और वी जो था सबसे नीचे था, था कि नहीं? यस सर। तो रेड का इतना तो पता होता है कि रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है आर फॉर रेड, आर फॉर रेडियो वेव्स, ठीक है, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी के अलग अलग उसमें दे रखा है आपको, एक मिनट, एनसीईआरटी में अलग अलग कंपाउंड्स के कलर दे रखे हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब ये करता है फिर ये शो करता है, तो उस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछता है। अगर क्वेश्चन कुछ अलग पूछ दिया तो आप उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा तो वो एनर्जाइज्ड होगा, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा कि नहीं अभिनव? सर एक बार रिपीट जी, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में एक टेबल दे दिया 9.3 में, ठीक है, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग हर कंपाउंड के कोरिस्पॉन्डिंग उसका वेवलेंथ दे दिया है, ठीक है, वो कलर ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब करता है, ऐसा नहीं है कि जो एब्जॉर्ब करता है वही दिखता है, जैसे आपके पास होता है COCl(NH3) का होल 6, ठीक है, तो NH3 का होल 5 बेसिकली, वो जो एब्जॉर्ब करता है वो येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जो दिखता है हमें, ठीक है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखेगा वो दिखता है वॉयलेट कलर का, समझ रहे हैं आप? तो ये 9.3, इस स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, ये जो 9.3 का बॉक्स दे रखा है बेसिकली, उसको आपको देखना है, ठीक है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड होगा तो वो अपर एनर्जी लेवल पे जाएगा और उसके कोरिस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ दिखाएगा और उस वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग हमें कलर पता चलेगा, ठीक है, ठीक। तो ये लिख लिया था आपने? यस सर। वेरी गुड, तो ये चीजें यहाँ पे खत्म होती है और इसको सही से आप पढ़िएगा और इसके जो थ्योरेटिकल सवाल होंगे उसको भी अच्छे से करिएगा, क्लियर है? यस सर। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, मेटलर्जी, स्लाइड चेंज करूं, एक मिनट रुको,
अभिनव सर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने में मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी शुरू करेंगे। तो देखिए मेटलर्जी शुरू करते हैं, और मेटलर्जी क्या होता है आपने कुछ पढ़ के आया? अभिनव? यस सर। मेटलर्जी पढ़ा था आपने? नो सर। देखिए मेटलर्जी में बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट्स को हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास बेसिकली मेटल वगैरह की बात होती है यहाँ पे, तो मेटल की जब बात होती है तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो किसी ना किसी से कंबाइन होकर अपना स्टेबिलिटी गेन करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक प्योर मेटल की, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हम उसको कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम जाते हैं और उसको प्योर फॉर्म लेते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, सबसे पहले दो तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा और मेटलॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेटल के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ना है। एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पास, देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन मेटल हो जाएगा एक, ठीक है, एक हो जाएगा आपके पास मेटल्स, और फिर आ जाएगा आपके पास मेटलॉइड। सबके बारे में आपको पता है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जब मेटल्स की बात होती है तो मेटल दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब दो फॉर्म में मिलते हैं अपने को, ठीक है, एक हो जाएगा अपने पास फ्री स्टेट और दूसरा हो जाएगा अपने पास कंबाइंड स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब क्या हो गया कि ये इजिली मिल जाएगा, मतलब ये प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जैसे नोबल मेटल्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग? नोबल मेटल्स। ठीक है, एग्जांपल अगर देना चाहें हम तो एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपके पास प्लेटिनम वगैरह आ जाएगा, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं, एक्सेट्रा से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में देखें तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे जिंक है, तो जिंक जो है किस फॉर्म में मिलता है? ZnS के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड। उसके बाद बात करते हैं हम और भी एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कोरंडन, कोरंडन, कोरंडन जो होता है बेसिकली ये बहुत ही आसान होता है, Al2O3, इसके नाम पे देखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉक्साइड भी कहते हैं, बॉक्साइड के नाम से ये ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर पेपर में जो यूज करता है नाम, ये किसका यूज करता है? कोरंडन वाला का नाम यूज करता है, ठीक है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो जैसे रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है, रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट को आपको पता है क्या होता है? ये NaCl होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है आपका कि अगर ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में। क्लियर है? यस सर। पीरियोडिक टेबल में लगभग 80% आपके क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें से बहुत ही कम, जैसे ये हो गया आपका फ्री स्टेट में, बाकी सारे के सारे किस में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, तो उनको हमें प्योर फॉर्म में लाना होता है, उसी के प्रोसेस को हम पूरे मेटलर्जी में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे जिनको आप जानते होंगे, जिनको आप देखे होंगे, ठीक है, इसे लिख लीजिए फिर बताइए। वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ टर्म आता है जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में टर्म्स एज मिनरल्स हो गया, ओर्स हो गया, ठीक है, फिर आपका गैंग हो गया, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मिनरल्स कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर मान लीजिए आपका किसी जैसे मेटल है, ठीक है, तो मेटल किसी चीज में प्रेजेंट है, किसी इम्प्योरिटी में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कह देंगे? मिनरल्स कह देंगे। अब वो चाहे मेटल 1% हो या फिर 90% हो, वो अपना क्या हो जाएगा? मिनरल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, तो डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं द कंपाउंड
ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर अलोंग विथ रॉकी एंड अदर इंप्योरिटीज एंड अदर इंप्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। कोई भी कंपाउंड होता है मेटल का, ठीक है, जो किसी और चीज के साथ, मतलब कंबाइंड स्टेट में कुछ भी हो सकता है, रॉकी हो जाएगा, कोई भी इंप्योरिटीज हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है उस पर धूल लगा हुआ हो, ठीक है, हो सकता है उस पर कुछ और रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड्स लेयर वगैरह बन गया हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ओर की, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट डालिएगा नोट डाल के, मे और मे नॉट गिव प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन, मे और मे नॉट गिव प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन। बेसिकली ये होता क्या है मिनरल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज है और वो खराब हो गई है, ये काफी दिन रखे रखे खराब हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो दूसरा टर्म आता है ओर, तो ओर से क्या होता है कि जो भी मेटल को, जिस भी मतलब कंपाउंड जो भी कंबाइंड स्टेट में है बेसिकली, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। जैसे आपने उसमें कुछ पैसे खर्च किए, ठीक है, 10 रुपए खर्च किए और उससे हम ज्यादा निकाल सकते हैं, आउटपुट अपना ज्यादा हो तो वो ओर होगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 रुपए आपने लगाया और उसमें से आपको ज्यादा आउटपुट बहुत कम मिला या ज्यादा मिला, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड्स ऑफ मेटल होते हैं बेसिकली, वो सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन ओर के लिए एक कंडीशन है कि अगर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट अगर कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपके पास, अगर प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली अगर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तभी वो ओर होगा। यहाँ पे एक कंडीशन होता है ओर के लिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओर में कि द मिनरल, द मिनरल फ्रॉम विच A metal can be extracted commercially or profitably is called ओर और मिनरल में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मिनरल क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ मेटल, ठीक है। अब उसमें जो मेटल का एक्सट्रैक्शन है वो आपको 1% मिले या 99% मिले, ठीक है, वो मिनरल होगा, ठीक है। लेकिन जब ओर की बात करते हैं तो अगर आपने उसमें एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया है तो वो प्रॉफिटेबली होना चाहिए और कन्वीनियंटली होना चाहिए, इजिली निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा मतलब आउटपुट हमें मिले, तो उसे हम कहते हैं ओर, ठीक है। यहाँ पे एक और नोट डाल के हम लोग पॉइंट लिख देंगे, ओर हैज एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ मेटल इन इट। ये पॉइंट हो जाए तो बताइए, हो गया? Done. Okay. अब देखिए अपने पास आता है गैंग। गैंग क्या होता है बेसिकली, ये जो होता है आपका इम्प्योरिटीज होता है, क्या होता है, जो आपके मिनरल्स में इम्प्योरिटीज होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर are called gang और matrix भी कहते हैं इसको, ठीक है। अर्ली impurities भी हो सकता है, धूल वगैरह भी लग सकता है उसमें, तो यहाँ पे अर्ली impurities की बात करते हैं,
ठीक है, लाइक सॉइल वगैरह हो सकता है, सॉइल डस्ट सैंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके गैंग होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं। डन अब देखिए यहाँ पे मेटलर्जी को आप डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया मेटलर्जी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो मेटलर्जी को भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। मेटलर्जी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। कभी भी एक्सट्रैक्शन जो करते हैं हम प्योर से ही, मतलब सॉरी ओर से ही करते हैं, मिनरल से, मिनरल नहीं बोलते, मिनरल जो होता है आपका प्रॉफिटेबली और कमर्शियली दे सकता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर यही होता है कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। हो गया, यस अब देखिए कुछ ऐसे हम लोग बात करते हैं मिनरल की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले ये याद रखना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा मेटल, ठीक है, यहाँ पे मिनरल, और यहाँ पे आ जाएगा अपना एवरेज कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं आयरन की, तो आयरन की बात करेंगे यहाँ पे, तो आयरन में क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, Fe2O3, यहाँ से हम आयरन निकालते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में क्या हो जाता है, ये भी आयरन का ही होता है, और ये हो जाता है Fe3O4, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आ जाता है आयरन पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स में देखेंगे तो सल्फर वाला होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, FeS2, ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए। फिर साइड्राइट, साइड्राइट, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, साइड्राइट FeCO3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रोमाइट, क्रोमाइट भी आयरन का ही होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, FeO.Fe सॉरी Cr2O3, क्रोमाइट है ना, Cr2O3। तो ये सारे के सारे किसके मिनरल्स है, आयरन के, ठीक है। अगर इसमें से अगर आपको पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओर, तो जिसमें हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सबसे ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा आपका, आयरन का ओर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो वहां पे बेसिकली आपको दिया रहेगा कि ये इतना परसेंट दे रहा है, ये इतना परसेंट दे रहा है, तो जो मैक्सिमम परसेंट देगा, ठीक है, वो हो जाएगा ओर, और जो मिनिमम देगा वो क्या हो जाएगा आपका, मिनरल हो जाएगा, अगर कंपैरिजन करेंगे आप तो। यहाँ पे फिर कॉपर की बात करते हैं, कॉपर की देख लेते हैं कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे इसका नाम होता है चाल्को पाइराइट्स, चाल्को पाइराइट्स। इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग लिखते हैं कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स, ये होता है आपका CuFeS2, CuFeS2। फिर अपने पास आ जाएगा एक और कॉपर का, कॉपर ग्लेंस, ये फेमस होता है, ये कॉपर ग्लेंस जो होता है बेसिकली फेमस है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉपर ग्लेंस में Cu2S आ जाएगा, ठीक है। फिर क्यूपराइट आ जाता है, क्यूपराइट में हो जाएगा आपका Cu2O, ठीक है। फिर इधर कॉपर वाला इधर भी लिख देता हूं मैं, मेलचाइट, मेलेसाइट,
पहले साइड में देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाता है, कॉपर का ही है ये, ठीक है। आप लाइन से ही लिखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक और आ जाता है एज्यूराइट, एज्यूराइट में देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। बेसिकली इसका डबल मोल ले लेते हैं तो उसको एज्यूराइट कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, मैलेसाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मिनरल का और उसका नाम लिख रहा हूँ मैं, अभी एल्युमिनियम का है इसे लिख लीजिए। यहाँ पे अपने पास आता है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम में देखेंगे हमारे पास एक तो बॉक्साइट, आपको नाम पता ही होगा बॉक्साइट, यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले बॉक्साइट। बॉक्साइट को अगर हम लिखते हैं तो कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं AlOx डॉट, ठीक है, OH का पावर 3-2x, जितना एक्ट वाई होगा मतलब सॉरी ऑक्सीजन होगा उतना से ये मल्टीप्लाई करके OH का लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ये जो एक्स होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। अगर इसमें देखें मेजर फॉर्म जो होता है इसका, मेजर फॉर्म कौन सा होता है, मेजर फॉर्म जो होता है आपका Al2O3 डॉट 2H2O होता है, ठीक है, डॉट 2H2O। दूसरा इसका नाम हो जाता है आपका क्रेओलाइट, क्रेओलाइट, ठीक है। क्रेओलाइट का फॉर्मूला क्या होता है इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Na3AlF6, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास चाइना क्ले का जो फॉर्मूला होगा अपने पास Al2OH का होल 4, ठीक है, डॉट Si2O5, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं Al2O3 डॉट SiO2 डॉट H2O 2H2O डॉट 2H2O। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लीजिए। हो गया, अब देखिए यहाँ पे मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है उसी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास ओर है, तो ओर में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डालते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को पे काम करना हमें अभी, ओर जो है आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है उसके बाद अपने को मिलता है यहाँ पे इम्प्योरिटीज, ठीक है, प्लस मिनरल्स। यहाँ तो बहुत ही एक ही इक्वेशन में दे दिया, इम्प्योरिटीज प्लस प्योर मेटल, ठीक है, यहाँ एक स्टेप में दे दिया। लेकिन ये यहाँ तक पहुंचने में हमारे पास 3 स्टेप लगता है, ओर से यहाँ तक पहुंचने में 3 स्टेप लगता है। कौन कौन से स्टेप, सबसे पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉपिक डालेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में अपने पास जो सबसे पहला प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट स्टेप आता है, उसमें हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बाद हम करते हैं रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ओर के बाद अपने पास थर्ड में आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ ओर, यहाँ जाके अपने को प्योर मेटल मिलता है, रिफाइनिंग ऑफ ओर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में 3 स्टेप होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर, उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ ओर। देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हेलो
कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको ओर मिला है, ठीक है, तो बेसिकली जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि उसको वॉश्ड अवे करिए, उसके अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सॉयल डस्ट और सिलिका वगैरह जो भी लगे हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, वॉश्ड अवे करते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। हम सबसे पहले टॉपिक डालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम लिख सकते हैं ओर ड्रेसिंग, बेसिकली उसको क्या कहते हैं, ओर ड्रेसिंग कहते हैं या बेनिफिकेशन कहते हैं, बेनिफिक्शन और बेनिफिक्शन यूज्ड टू रिमूव अर्थली इंप्यूरिटीज। लाइक सोयल सिलिका एक्सेप्ट, इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगर इसका डिफाइन किया जाए, डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग मतलब इम्प्यूरिटीज ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज नोन एज is known as concentration of an ore, या फिर इसको ore dressing भी कहते हैं, या फिर जैसे मैंने लिखा था benefaction वो भी लिख देते हैं benefaction। क्लियर है? यस, पहले इसे लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की जब बात करते हैं तो मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं करने के, ठीक है। आपने नाम सुना होगा जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, लीचिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, मैथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात होती है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन, थर्ड पॉइंट आ सकता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, एंड द फोर्थ पॉइंट इज लीचिंग। ये फ्रॉथ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बुक बोर्ड के लिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। इसको टॉपिक डाल लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। स्टार को क्या मतलब है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मतलब स्टार का मतलब ये हो गया कि ये इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो आता है अपने पास वो क्या आता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें स्टेप वाइज लिखेंगे हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग होता क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, ओर को पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं, ठीक है, बेसिकली उसको क्रश कर देते हैं, ठीक है, क्रश करके और ऐसे हम कर देते हैं जैसे एक यहाँ पे कंटेनर है इस टाइप से हमने बना दिया, ठीक है,
ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओर डालेंगे, ठीक है, ओर डालेंगे, और किस फॉर्म में डालेंगे, क्रस्ट या फिर पाउडर्ड, पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में डालेंगे या फिर क्रस्ट फॉर्म में यहाँ से डालेंगे। और यहाँ पे एक लगा देंगे जेट वाटर, ठीक है। कहाँ पे लगाएंगे हम लोग जेट वाटर, यहाँ पे लगा दिया हमने जेट वाटर, ठीक है, यहाँ पे जेट वाटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ जेट वाटर लगा दिया, जेट ऑफ वाटर। अब यहाँ से बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका ओर आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास कुछ इम्प्योरिटीज होंगे, ठीक है, जैसे लाइक सॉयल, सैंड वगैरह, डस्ट वगैरह जो लगे होंगे। तो इधर से जब ये गिरेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पानी से पूरा का पूरा वॉश करेगा। अब जो डस्ट वगैरह होते हैं काफी हल्के होते हैं, ठीक है, लाइट वेट होता है, तो वो क्या होते हैं कि इजिली वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, ठीक है। जो लाइट वेट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसके साथ बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ओर होगा थोड़ा हैवी वेट होगा, ठीक है, वो कहाँ गिर जाएगा, वो यहाँ पे हिप बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं करंट क्रस्ड ओर, सॉरी पाउडर्ड ओर या फिर क्रस्ड ओर लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पाउडर्ड ओर नीचे निकल रहा है, और यहाँ पे जो है चीज आपका ये हैवी हैवी होगा, ठीक है। और जो इधर है आपके पास, इधर जो चीजें आ रही हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर एंड लाइटर गैंग, ठीक है, जिनका वेट थोड़ा कम होगा वो इजिली उसके साथ फ्लो कर जाएंगे, क्लियर है। तो इसी के स्टेप को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिकली ये क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम देख लेंगे, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, जिसका कम होगा वो इजिली फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है आपका, वो क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होता है, बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस, बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे हमने, यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल होता है, यूजफुल फॉर ओर्स ऑफ हैवी मेटल्स। अगर मान लीजिए लाइट मेटल्स होगा तो वो उसके साथ ही बह जाएगा, ठीक है, हैवी मेटल्स, ठीक है, सच एज या फिर लाइक आपके पास टिन आ गया, ठीक है, लेड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इन सारी चीजों। थर्ड पॉइंट, लाइट ओर्स कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वो उन्हीं के साथ फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा। समझ में आया, यस सर। हो जाएगा तो बताइए। अब अपने पास जो दूसरा आता है, फ्रोथ फ्लोटिस, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटिस, फ्रोथ फ्लोटिस। तो इसमें कुछ स्टेप्स लिखेंगे हम लोग, फिर हम उसका डायग्राम करेंगे और फिर वही प्रिंसिपल वगैरह देखेंगे कि कैसे होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है,
तो ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है अभिनव, सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। तो यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ऑफ जिंक, ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन एंड लेड, इन सब के लिए यूज होता है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन। दूसरा पॉइंट आ जाएगा सल्फाइड ओर जो होता है आपका, सबसे पहले पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं जो डायग्राम बना के समझा दूंगा। सल्फाइड ओर इज वेटेड, वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं बाय ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं अपवर्ड। एक्चुअल में ये गीला भी क्यों करते हैं, ये भी आपको सवाल का जवाब मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछता है क्यों उसको ऑयल से या यूकलिप्टस होता है, ठीक है, लिक्विड, उससे क्यों इसको गीला करते हैं, ठीक है। तो मूव्स अपवर्ड इन द फ्रोथ, इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। फ्रोथ क्या होता है, झाग होता है, पता है ना आपको अभिनव, अभिनव फ्रोथ क्या होता है, झाग होता है, ठीक, झाग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर एंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम। Gang particles are weighted by water and settle down at bottom. देखिए यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली एक अपने पास apparatus होता है, ठीक है। कैसा apparatus होता है, उसका डायग्राम बनाते हैं। पहले ये लिख लीजिए, next slide पे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या होता है, एक अपने पास एपरेटस है, कैसा एपरेटस है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, कंटेनर है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि एक यहाँ पे लगा दिया मैंने, ऐसे सेटअप लगा दिया यहाँ पे, जिससे हम कंप्रेस्ड एयर डालेंगे, ठीक है। क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर, जब कंप्रेस्ड एयर डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बबल फॉर्म होगा कि नहीं, यहाँ पे बबल फॉर्म होगा ना कंप्रेस्ड एयर से, क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे अगर हम कंप्रेस्ड एयर करेंगे तो, बताइए अभिनव। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कुछ यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ठीक है, वाटर कंटेनिंग ऑयल, वाटर कंटेनिंग, और वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, यहाँ पे पाइन ऑयल डालते हैं, ठीक है। और ये जो गैंग होते हैं बेसिकली, ठीक है, इनमें पाइन ऑयल ये नीचे जाके सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब ये क्या होगा, जैसे फ्रोथ बनेगा यहाँ पे, तो फ्रोथ ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रोथ, जो झाग होता है वो तो ऊपर जाता है ना, पानी के नीचे नहीं रहता, उसके वो वाटर के क्या होते हैं, सरफेस पे रहते हैं कि नहीं झाग, फ्रोथ बबल्स, फ्रोथ बबल्स कैरिंग, ये एक्चुअल में सब कुछ पता चलेगा आपको क्या हो रहा है, सल्फाइड ओर्स पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओर को यहाँ भी पाउडर्ड के फॉर्म में रखना है, किसके फॉर्म में रखना है, क्रस्ड फॉर्म में रखना है या पाउडर्ड फॉर्म में रखना है। यहाँ पे ओर में हमने क्या डाल दिया, पाइन ऑयल डाल दिया, ठीक है, उसको गीला कर दिया पाइन ऑयल से, ठीक है, पाइन ऑयल से गीला कर दिया, और ये क्या हो गया, पाउडर्ड, पाउडर्ड फॉर्म। और जो होगा किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म में। तो बेसिकली देखिए यहाँ क्या है, कंप्रेस्ड एयर आएगा, कंप्रेस्ड एयर आएगा, यहाँ बबल्स बनेंगे, ठीक है, ये जो पाइन ऑयल होगा, ठीक है, उससे वो पाइन ऑयल जो होगा क्या करेगा, आपका फ्रोथ बनाएगा, क्या करेगा, फ्रोथ बनाएगा, और फ्रोथ जो फ्रोथ बनाएगा तो ये पाउडर्ड फॉर्म में जो भी और होगा उस पर भी क्या लगा रहेगा,
वो फाइन ऑयल लगा रहेगा, जिसके वजह से ये इजिली ऊपर मूव कर जाता है, और जो ये आपके गैंग होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्रोथ बनते हैं वो फ्रोथ के साथ सल्फाइड ओर जो होता है वो सरफेस पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और जो आपके गैंग होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, किस किस का होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉपर ग्लेंस। ठीक है, कॉपर ग्लेंस को ऐसे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिंक ब्लैंड। ठीक है, जिंक ब्लैंड को भी करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ग्लेना, ग्लेना के बाद आ जाएगा आयरन पाइराइट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे क्या है, सल्फाइड ओर है पाइराइट। ठीक है, सारे के सारे क्या है, सल्फाइड ओर है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर ग्लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2S हो जाएगा। जिंक ब्लैंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। ये PbS होगा और ये Fe2S हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो चीजें हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल फ्रोथर्स, एज अ फ्रोथर्स जो झाग बनाने वाले हैं वो कौन कौन है। ठीक है, तो फ्रोथर्स एज अ फ्रोथर जो काम आता है वो कौन आता है, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल यूज करते हैं या फिर यूकेलेप्टस यूज करते हैं। ठीक है, यूकेलेप्टस, ठीक है, यही यूकेलेप्टस ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऑयल वो वाला यूज करेंगे जिसका डेंसिटी जो होगा वाटर से कम होगा। ठीक है, तो ऑयल शुड बी ताकि वो इजिली ऊपर चला जाए, समझ रहे हैं आप। अगर ज्यादा डेंसर होगा वाटर से तो वो तो नीचे सेटल डाउन होगा ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑयल शुड बी लेस डेंस देन H2, ताकि वो ऊपर इजिली चला जाए। ठीक है, एज अ फ्रोथर कौन यूज होता है, ये यूज होता है यूकलिप्टस ऑयल और पाइन ऑयल। फिर आ जाता है कलेक्टर्स, एज अ कलेक्टर्स देखेंगे तो कलेक्टर्स में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा यूज होता है आपका, पोटेशियम इथाइल जेंथेट, पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ये कंपाउंड होता है आपका पोटेशियम इथाइल जेंथेट। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, फ्रोथ जो आपका टू इनहेंस, पहले लिख देता हूं मैं, टू इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी, टू इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स है। ठीक है, पानी से गीले होने पर, ठीक है, पानी से नहीं गीला होने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पाइन ऑयल को, जैसे वो क्या नाम है आपका, ओर है। ठीक है, इसको यूज करते हैं हम किस लिए, ताकि वो वाटर से गीला ना हो, वो ऑयल से ही गीला रहे, ताकि वो इजिली जो ओर है वो फ्रोथ के फॉर्म में, ठीक है, फ्रोथ के साथ वो ऊपर चला जाए। बात समझ रहे हैं आप, ये किसके लिए यूज होता है, पानी से गीला ना होने दे, किसको, ओर को, समझ रहे हैं आप। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फ्रोथर्स। फ्रोथर्स के बाद आता है आपका फ्रोथ एस्टेबलाइजर। ठीक है, क्या आता है आपके पास, फ्रोथ एस्टेबलाइजर, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फ्रोथ एस्टेबलाइजर। तो फ्रोथ एस्टेबलाइजर में क्या होता है, कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, ये फ्रोथ एस्टेबलाइजर का मतलब क्या है, फ्रोथ बनी रहे, झाग बनी रहे, उसके लिए यूज करते हैं हम एनिलीन और क्रिसॉल्स। नाम सुना आपने, एनिलीन और क्रिसॉल्स। ठीक है, ये दो कंपाउंड यूज करते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक बेंजीन होता है, उसके नीचे या ऊपर लगा दिए डायरेक्ट NH2 लगा दीजिए। ठीक है, इस पे एक लोन पेयर होता है। और क्रिसॉल्स जो होते हैं, पैरा पे हम CH3 ग्रुप लगाते हैं, जैसे OH यहाँ है और यहाँ पे CH3 लगा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिसॉल्स हो जाएगा। ये क्रिसॉल्स है और ये क्या है, एनिलीन है। क्लियर है। अब देखिए दूसरी बात, कि ये जो एनिलीन जो है, ठीक है, क्या एनिलीन रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पे दूसरी बात कि ये स्टेबलाइज, फ्रोथ स्टेबलाइजर, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं, तो इजिली फ्रोथ को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें यूज हो रही हैं अब तक। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, सबसे पहले फ्रोथर्स है, फिर कलेक्टर्स है, फिर फ्रोथ स्टेबलाइजर है, झाग बनी रहे इस वजह से इसको यूज किया जाता है। कौन कौन, एनिलीन और क्रिसोल्स। इस पे डायरेक्ट बोर्ड में को पूछता है या फिर JEE और नीट में भी पूछता है कि फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन है, तो एनिलीन और क्रिसोल्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डिप्रेसेंट यूज होता है, क्या यूज होता है, डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेसेंट देखेंगे कि डिप्रेसेंट क्या होता है आपका। ठीक है, तो डिप्रेसेंट में हम देख लेते हैं, यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड
और इज प्रेजेंट। जब मान लीजिए आपके पास क्या हो जाएगा कि मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको यूज किसको करते हैं, डिप्रेसेंट को यूज करते हैं, ठीक है। डिप्रेसेंट को यूज करके, ये डिप्रेसेंट एज ऐसे यूज होता है कि यहाँ पे एज अ डिप्रेसेंट यूज करते हैं, जैसे सब जस्ट सपोज NaCN है, ठीक है, ये दो चीज डिप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं। NaCN हो जाएगा आपके पास और Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो है मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गलेना, ठीक है, गलेना मतलब PbS, मिक्सचर ऑफ गलेना PbS एंड जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये डिप्रेसेंट से दोनों रिएक्ट करेंगे, PbS प्लस NaCN, ठीक है, NaCN और PbS से रिएक्ट करेंगे और ZnS से भी क्या रिएक्ट करेगा, NaCN रिएक्ट करेगा और एक रिएक्ट करके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन बना लेगा, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा Na2 ZN और यहाँ पे क्या हो जाएगा CN का होल फोर हो जाएगा, ठीक है, सोडियम टेट्रा सियानो जिंकेट, क्या नाम होगा इसका, सोडियम टेट्रा सियानो जिंकेट हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है अभिनव? ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये लिख लिया आपने यहाँ तक, अभी नहीं लिखा है सर, बस एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन, डन सर। तो देखिए PbS यहाँ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा और ये रिएक्शन करके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए एक और पॉइंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, दिस कॉम्प्लेक्स इज वेटेड विद वॉटर एंड प्रिवेंटेड कमिंग into the throat। दोनों एक साथ चला आता तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, लेकिन while PVS की जब बात करते हैं तो ये reaction तो होता नहीं है, लेकिन ये throat के साथ easily जा सकता है। तो while PVS comes into throat because it cannot react with NaCN, it cannot react with NaCN, क्लियर है? हो गया? यस सर। हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, थ्रोट फ्लोटेशन। थ्रोट फ्लोटेशन में क्या हो जाता है आपका, सबसे पहले ये तब यूज किया जाता है, पूरा लिख लिया था आपने अभिनव? हाँ सर लिख लिया था। चलिए बढ़िया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, सल्फाइड ओर जैसे CuS हो जाता है, Cu2S हो जाता है, ZnS होता है, Fe2S होता है, PbS होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। और यहाँ सल्फाइड ओर को ना हम एक ऑयल से गीला करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गीला करते हैं, वेट करते हैं, जो कि झाग के साथ ऊपर ऊपर लेके चला आता है, ठीक है, झाग के साथ वो ओर को ऊपर लेके चला जाएगा और गैंग जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ये जो ऑयल का नाम हमेशा पूछता है, ऑयल का नाम क्या होता है, एक या तो आप पाइन ऑयल ले लीजिए या फिर यूकेलिप्टस ऑयल ले लीजिए, यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं वेटेड बाय वाटर और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कौन कौन से सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, कॉपर ग्लेन्स के लिए, जिंक ब्लेंड के लिए, ग्लेना के लिए और आयरन पाइराइट के लिए। सबका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, CO2S, ZnS, PbS, Fe2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेटअप है, अपने पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने लगा दिया, यहाँ कंप्रेस्ड एयर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, बबल बन रहे हैं, क्लियर है, बबल बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेगा,
कि जो आपका फ्रोथर्स है बेसिकली, ठीक है, जो फ्रोथ प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है आपका पाइन ऑयल की तरह, पाइन ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल, उसको हम कर देंगे ओर को उससे गीला कर देंगे, ठीक है, और वो आके, ठीक है, फ्रोथर जो बनेगा उसके साथ इजिली ऊपर चला जाएगा और जो आपके क्या कहते हैं गैंग है, ठीक है, गैंग क्या होगा वाटर से गीला होकर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होता है, जैसे मान लीजिए फ्रोथर्स है, फ्रोथर्स जो झाग बनाने वाले हैं वो कौन कौन है, फाइन ऑयल और यूकेलिप्टस, ठीक है। उसके बाद कलेक्टर है, कलेक्टर क्या करता है आपका इनहेंस करता है नॉन वेटेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स को, ठीक है। उसके बाद फ्रोथ स्टेबिलाईजर है, झाग बनी रहा है उसके लिए क्या यूज होता है, दो चीजें यूज होती है, एनिलीन और क्रिसोल्स, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाता है डिप्रेसेंट, जब आपके पास मान लीजिए मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स होंगे, मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स, तो हम यूज करेंगे डिप्रेसेंट, दो चीजें से NaCN से हम रिएक्ट करा देंगे तो एक रिएक्शन होगा दूसरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजिली रिएक्शन होगा तो ये रिएक्ट करके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये जो PbS सल्फाइड ओर है ये ऊपर झाग के साथ स्रोत के साथ जाके सेटल हो जाएगा ऊपर, क्लियर है। अभिनव यस सर, ये वही वाला पॉइंट लिखाऊंगा, स्लाइड चेंज करूं, आगे बढ़े। यस सर, तो इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, तो ये तो आपने पढ़ा होगा पहले भी। यस सर, पढ़ा। अगर मैं पूछा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए यूज हो, तो वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स के लिए यूज होगा, ऐसे जिसमें मान लीजिए अगर गैंग और कोर है, ठीक है, तो या तो और मैग्नेटिक हो या फिर गैंग वाला मैग्नेटिक हो, कोई ना कोई एक मैग्नेटिक वाला होगा जिसके वजह से एक चिपका रह जाएगा और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो दूर चला जाएगा। सर ये रोलर वाला है ना? हाँ, रोलर वाला है। यस सर, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि यूज्ड फॉर वन ऑफ फोर और इम्प्योरिटी विज यूज्ड इफ वन ऑफ ओर और इम्प्योरिटी इज मैग्नेटिक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल nearer the magnetic roller, nearer the magnetic roller. Third point, जो non-magnetic होंगे वो थोड़ा away from the roller जाएंगे, while the non-magnetic particles fall away from रोलर। इसमें भी जो ओर्स होते हैं बेसिकली वो आपके किस फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक ओर्स की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक ओर्स में मैं लिख दूंगा, एक आ जाता है आपका वुल्फ्रामाइट, ठीक है, जो टंगस्टन का होता है, मैग्नेटाइट, अर्थली इम्प्योरिटीज होते हैं इसमें, डन। इधर देखेंगे हम लोग, एक मिनट रुकते हैं। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे बनता है।
देखते हैं, एक मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है, ये बेल्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक रोलर, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रोलर, ठीक है, मैग्नेटिक बेल्ट भी आता है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक अपना एक सेटअप डालते हैं, यहाँ पे पाउडर डोर, यहाँ भी और पाउडर डोर डालेंगे, ठीक है, पाउडर डोर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये चीज जो है, ठीक है, यहाँ पे पाउडर डोर जाके गिरेगा, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक क्या होगा, बेल्ट, मैग्नेटिक बेल्ट, यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे जाएगा और दो कंटेनर होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ठीक है, दोनों सटे होते हैं, ऐसे टच होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक जाएगा, नॉन मैग्नेटिक, यहाँ पे देखिए ये नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये होगा ये मैग्नेटिक वाला होगा, मैग्नेटिक, ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है, यहाँ से पावर लोड डाला, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से और जाएगा जो नॉन मैग्नेटिक होगा, वो थोड़ा ऐसे ऐसे जो समझ रहे हैं ना आप, ऐसे जैसे प्रोजेक्टाइल में जाता है ऐसे ऐसे जाके गिर जाएगा, और जो मैग्नेटिक वाले होंगे वो आके यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है, तो जो मैग्नेट, या तो और आपका मैग्नेटिक होना चाहिए या फिर आपका जो गैंग है वो मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी ये काम करेगा मैग्नेटिक रोल। ओके अभिनव, यस सर, डन सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका लीचिंग प्रोसेस करेंगे, लीचिंग के बाद अपने पास जो ये चारों प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो रिडक्शन ऑफ ओर पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ ओर में बेसिकली आपका कैल्सिनेशन आता है, ठीक है, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है, उसके बाद हम रिफाइनिंग ऑफ ओर पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका एलिंगम डायग्राम है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे।